Students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 5th. In the previous lecture, we complete the part A, B, C of this lesson. Today, we are on part D. Question answer of part D. First one is, define the following terms. Reversible change. First, jo thing hai, wo kya hai, hamari reversible change. Some changes can be reversed by removing the cause of the change. Such changes are called the reversible change. कुछ changes जो हैं reverse यानी कि उल्टे हो जाते हैं जब उनका cause of change हम cause को हम change कर देते हैं, ठीक है, remove कर देते हैं cause of change को, ऐसे changes को क्या कहा जाता है, reversible change कहा जाता है, यानी वो अपनी उल्टी वापिस हुई form में आ जाते हैं. Chemical change, a change in which new substance is formed is called chemical change. नया substance अगर बने तो chemical change होगा. Physical change, a change in which no new substance is formed is called physical change. तो क्या कहेंगे उसको, physical change कहेंगे अगर नया substance नहीं बनेगा तो. Okay. Next, distinguish between fast change and slow change. Fast change, slow change, difference बताना है. स्लो फास्ट चेंज जो है हैपन्स इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े समय में ही हो जाता है. ये हैपन्स इन लॉन्ग ड्यूरेशन, ये क्या है, ज़्यादा देर में, लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है. एग्जांपल्स जो हैं फास्ट चेंज के, बर्निंग ऑफ पेपर, ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पेपर का जलना या फायर क्रैकर्स का ब्रस्ट होना, फूटना. एग्जाम्पल्स जो हैं स्लो चेंज के, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, ग्रोथ ऑफ ट्री, पृथ्वी का मूवमेंट या ट्री की ग्रोथ होना. गिव टू एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज के जो एग्जांपल्स हैं वो इन्फ्लेटिंग ए बलून, मेल्टिंग ऑफ आइस, गुब्बारे का फूलना या मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना. इरिवर्सिबल चेंज क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना, कुक करना, भोजन को पकाना. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरित होना, अंकुरित हो गई तो दोबारा वो बीज नहीं बन सकते, फिर उनसे पौधा बनेगा. ओके, इरिवर्सिबल चेंज है. गिव सम इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन नेचर. जो नेचर में होते हैं ऐसे बायोलॉजिकल इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बताना है. ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, बच्चे का की ग्रोथ, बढ़ना, वृद्धि. ग्रोथ ऑफ ट्री, पेड़ का बढ़ना. जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का अंकुरित, बीज का अंकुरित होना. रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, बायोलॉजिकल इरिवर्सिबल चेंज हैं, जो एक बार हो गए तो दोबारा वापस नहीं हो सकते, उसी हो में नहीं आ सकते. गिव एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज गिवन आउट. एग्जांपल फिजिकल चेंज का दीजिए जिसमें कि एनर्जी गिवन आउट निकलती है. तो आंसर इज ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज एन फिजिकल चेंज इन विच हीट इज गिवन आउट. बल्ब गर्म हो जाता है उसमें एनर्जी निकलती है और वो एक फिजिकल चेंज है. एनर्जी इज अब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो. मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है. इन विच हीट इज अब्जॉर्ब, जिसमें हीट क्या है, अब्जॉर्ब होती है. ओके, नाउ पार्ट ई क्वेश्चन आंसर्स. पार्ट ई में हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. सॉरी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में डिफरेंस हमें बताना है. रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, इनको रिवर्स किया जा सकता है. कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इनके रिवर्स नहीं हो सकते. मोस्ट ऑफ रिवर्सिबल चेंज आर फिजिकल चेंज, ज़्यादातर रिवर्सिबल चेंज जो है फिजिकल चेंज होते हैं. एग्जांपल्स हैं इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून्स, मेल्टिंग ऑफ आइस. ओके, मोस्ट ऑफ द इरिवर्सिबल चेंज आर केमिकल चेंज, जबकि इरिवर्सिबल चेंज जो है ज़्यादातर वो केमिकल चेंज है. उनमें नया सब्सटेंस बनता है, लाइक कुकिंग ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये सभी क्या हैं, इरिवर्सिबल चेंज हैं और साथ में ये केमिकल चेंज भी हैं. ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज इरिवर्सिबल चेंज एंड केमिकल चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट.
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो है इरिवर्सिबल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फॉर मिल्क ए न्यू न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो केमिकल चेंज है। जबकि मोर ओवर वंस मिल्क चेंज इंटू कर्ड इट कैन नॉट बी चेंज इंटू बैक इंटू मिल्क। जबकि कर्ड अगर बन जाती है तो वो मिल्क द्वारा वापस नहीं बन सकती, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज भी है। ये लास्ट वाली लाइन आप छोड़ सकते हो, ओके, इतने से ही प्रूव हो जाएगा कि ये इरिवर्सिबल भी है और केमिकल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर साइकिल इज ए नेचुरल चेंज, जस्टिफाई इट एज द फिजिकल और केमिकल चेंज, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। ड्यूरिंग वाटर साइकिल फिजिकल फॉर्म ऑफ वाटर चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। फिर वाटर साइकिल के दौरान, वाटर साइकिल क्या होता है हमारा, जो तालाब हैं, नदियां हैं, समुंदर हैं, उसमें से एवेपरेशन होके वाटर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, बादल बन के बारिश होती है, बारिश होके वापस वहीं आ जाता है, ये वाटर साइकिल है। इसमें वाटर क्या है, चेंज होता है, फिजिकल फॉर्म जो है चेंज होती है, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, हैंस इट इज़ ए फिजिकल चेंज, इसलिए क्या है, फिजिकल चेंज है। वाटर कैन बी चेंज इंटू इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड इट्स इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। जो वाटर है अलग अलग फॉर्म में चेंज होता है, तो ये रिवर्सिबल चेंज भी है, वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, ओके। नेक्स्ट एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन हमारा रह गया है, वो कर लेते हैं। हाउ कैन वी से द बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ ए केमिकल चेंज एंड ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज़ ए फिजिकल चेंज। हम कैसे कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल तो केमिकल चेंज है जबकि ग्लोइंग ऑफ बल्ब जो है वो फिजिकल चेंज है। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल के जलने पर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है, हैंस इट इज़ ए केमिकल चेंज, इसलिए वो क्या है, केमिकल चेंज होगा। ड्यूरिंग ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब जब ग्लो करता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हैंस इज ए फिजिकल चेंज, नया कोई सब्सटेंस नहीं बनता, इसलिए क्या है, फिजिकल चेंज है, ओके। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, आप इन क्वेश्चंस को राइट करेंगे, ओके, थैंक यू सो मच।